अच्छा यार, इस तरह का आईपैड व्यू बनाने के लिए आपको आ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद आपको चले जाना है अबाउट फोन के अंदर। अबाउट फोन के अंदर जाने के बाद आपको वर्जन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर या वर्जन 9 का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपने 4-5 बार क्लिक करना है, आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग के अंदर। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, इसको आपने 4-5 बार ऑन ऑफ कर लेना है ताकि रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद सबसे नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है वो ऑन कर लेनी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने सारी ऑन कर लेनी है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने हल्का सा ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको स्मॉल विड्थ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपने जो है ना 400 पे रख लेना है। आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। तो मेरे 360 ओरिजिनल है, तो मैं इस पर इसको 400 पे कर रहा हूँ, ये हल्का से छोटे हो गए। ठीक है, उसके बाद ये सेटिंग सारी क्लोज कर देनी है। आपने आ जाना है अपनी गेम के साइड में। ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल पबजी की आ रहे, तो इसके अबाउट इन्फो में मैं आ गया और रूटेड मोड ऊपर से ऑन कर लिया। आपने बिल्कुल इसी तरह से सेम कर लेना है और इसको मिनिमाइज करके आपने लॉन्ग प्रेस कर लेना है। अगर लॉन्ग प्रेस आप ना भी करें, आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने रैंडमली कोई भी एप्लीकेशन चूज कर लेना है, जैसे मैं रडार रिसीवर कर रहा हूँ, और मोबाइल को रोटेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ से पबजी ओपन करनी है और जो है रडार रिसीवर की साइड में आपने पबजी को स्क्रॉल डाउन कर देना है। देखिए, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है, आपका आईपैड व्यू 100% लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं होगा आईपैड व्यू जब तक पूरी गेम चल ना जाए। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, हल्का सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। ओके, हल्की सी अपडेट आई थी, वो हो गई। अब हम ना इसको TDM चलाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लॉबी पे भी आपको आईपैड व्यू देखने को मिल जाएगा। ये ऑल डिवाइस वर्किंग है, सभी डिवाइस में इसी तरह से वर्क करेगा, वर्क करता है। आपने ना मेरी तरह, जिस तरह से मैंने कोई भी सेटिंग नहीं छोड़ी, आपने इसी तरह से सारी सेटिंग ऑन करके इसको लगा देने। तो फाइनली हमारा आईपैड व्यू लग चुका है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्यारा आईपैड व्यू है। इसके अंदर हमें गेम लेग देखने को नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा हेडशॉट लगते हैं। तो यार, इस तरह की वीडियो बनाने में इंतहाई मुश्किल और मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कॉमेंट करें।